वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डायन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 65 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। हेलो माय डियर फ्रेंड, नो मोर नाउ यू कैन बी द वेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंसल्ट्स। डायन इंग्लिश इज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम यू। From no onwards, English can't be difficult. Hello, my dear friend. Today's plot is, if you are parched and have focused enough to acquire the knowledge of English, then without allowing a negative things linger, nor wavering effort should come in your way. Down on English, which is only a stone's throw away from you, neither your infirmity nor your obscurity is timely to gain knowledge. चलिए आज का ये सिचुएशन इंग्लिश से आधारित, क्योंकि जो अंग्रेजी में खास करके आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और किस किस ढंग का प्रॉब्लम होता है, और यदि आपको रुचि है तो आप कैसे क्या करेंगे, उसके आधारित ये आज का एपिसोड डेडिकेटेड है। चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दैट इज पार्च्ड। देखिए PA के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, और टी और सिग्मा जब साथ में आता है च और टी, तो क्या पढ़ेंगे, पार्च्ड। ड नहीं होता है, पार्च्ड ट का उच्चारण होता है पार्च्ड। हाँ, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब एक्सट्रीमली थर्स्टी। जब आप बहुत प्यासे रहते हैं, जब बहुत प्यास लगता है, जोरों की जब प्यास लगता है, उसी को बोलेंगे हम पार्च्ड। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, ड्यू टू सीवियर हॉट आई एम पार्च्ड। मैंने ये कहना है कि बहुत गर्मी के कारण मैं बहुत ही प्यासा हूँ, तो उसको जब बोलेंगे इस ढंग से यूज कीजिए। और सेकेंड एग्जाम्पल इज, थैंक्स ए लॉट फॉर गिविंग वाटर बोटल बिकॉज आई वॉज पार्च्ड इनफ। मैंने ये कहना है कि जो मैं गर्मी में कहीं बाहर से आया था, मैं बहुत प्यासा था, तो वाटर बोटल देने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स जो बोलेंगे उस वही मैं बताना चाहता हूँ। और सेकंड वर्ड एंड सेकंड मीनिंग इज ड्राइड बिकॉज ऑफ टू मच हीट। इसका दूसरा मीनिंग है ड्राइड बिकॉज ऑफ टू मच हीट। देखिए आप इसको क्लियर कर लीजिए, पार्च्ड का अर्थ होता है पहला एक्सट्रीमली थर्स्टी, जब बहुत प्यासा रहते हैं, और दूसरा अर्थ हुआ जब बहुत गर्मी होता है तो पूरा सूख जो जाता है, जैसे नदी नाले झरना ये सब जो सूखना जो बोलेंगे उसको ही बोलेंगे ड्राइड बिकॉज ऑफ टू मच हीट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ रेन ऑलमोस्ट ऑल लेक्स एंड पॉन्ड्स आर पार्च्ड। देखिए जैसे मैं पहले ही बताया था कि बहुत गर्मी के कारण जो जो मैंने जो पॉन्ड है, लेक है, झरना तालाब पूरा सूख गया, उसको जब बोलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ रेन ऑलमोस्ट ऑल लेक्स एंड पॉन्ड्स आर पार्च्ड, इसको इस ढंग से यूज कीजिए। और आज का सेकंड वर्ड ये रहा, दैट इज पेकिश। देखिए पी के ऊपर लकीर है, इसका पी पे जोर देना होगा, और ई मिस होता है ए, और आई मिस अरसी, और सिग्मा जैसे तालब शो, तो पढ़ेंगे पेकिश पेकिश पेकिश। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्लाइटली हंग्री। मैंने जब आप थोड़ा लगे कि थोड़ा भूख लग रहा है, हल्का हल्का जो भूख लगता है उसको बोलेंगे हम पेकिश, उसको बोलेंगे हम पेकिश। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, ड्यू टू नॉट हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई फील पेकिश। मेरा ये कहना है कि आज मैं सुबह नाश्ता नहीं किया, इसलिए थोड़ा मुझे भूख ऐसा लग रहा है कि एहसास हो रहा है कि थोड़ा मुझे भूख लग गया है, तो उसको जब बोलेंगे इस ढंग से बोलेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल इज, बीइंग पेकिश इज द कॉज ऑफ हिज टैंट्रम। देखिए मान लीजिए भूखा था, थोड़ा वो भूखा था, जो नाश्ता नहीं किया होगा, लेकिन उसको इसलिए छोटे छोटे चीज पे वो चिढ़ जाता था, टेंट्रम मैंने आवेश में आ जाना, टेंट्रम मैंने होता है आवेश में आ जाना, छोटे बात पे भी वो गुस्सा में आ जाना, आवेश में आ जाना, उसी को हम बोले टेंट्रम। वो भूखा था इसलिए जब मैं कुछ बोला तो गुस्से में आ जाता था, जनरली आप देखते भी। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस एडजेक्टिव, नीतीश केम हियर ऑन फुट, देयरफॉर ही फील्स पेकिश। जैसे आप जानते हैं, जैसे नीतीश एक स्टूडेंट हम लोग का डायन इंग्लिश का, मैं उसी का नाम दे दिया क्योंकि मैं पहले भी बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेरा एग्जाम्पल जो होगा, जो कैरेक्टर है, नेम जो होगा, एग्जाम्पल होगा अपने आसपास का होगा, तो इसलिए मैं बोला नीतीश केम हियर ऑन फुट, मैंने ये यहाँ पैदल आया, चल के आया, इसलिए इस गर्मी में मान लीजिए कोई चल के आया तो बहुत ही उसको लगता है कि मुझे भूख लग रहा है, बहुत भूखा महसूस कर रहा है, इसलिए मैं बोला नीतीश केम हियर ऑन फुट, देयरफॉर ही फील्स पेकिश। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज अक्वायर। अक्वायर देखिए ई उल्टा लिखा, दैट इज अ, के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोर देना होगा, ए आई मिस होता है आई, और ई उल्टा लिखा हुआ, दैट इज अ, चिपक के एक लकीर है, दैट इज रॉ,
acquire. This is a verb, इसका मतलब होता है obtain something. मतलब कुछ भी चीज आप प्राप्त करना जो बोलेंगे, gain करना, get होता है, इसी को बोलेंगे हम acquire. इसी को बोलेंगे हम acquire. जैसे example से clear कीजिए, पहला example, by enrolling yourself in Dan and English, you can acquire the knowledge of English. मतलब हम लोग का ये कहना है कि डैन इंग्लिश में दाखिला लेने से आप अंग्रेजी से रिलेटेड जितना भी चीज है आप प्राप्त कर पाते हैं, अंग्रेजी का नॉलेज आप ग्रहण कर पाते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं. तो यही मेरा कहना था. एंड सेकंड एग्जांपल इज फॉर अक्वायरिंग नॉलेज ही स्प्रेडेड हिमसेल्फ टू थिन. मान लीजिए किसी चीज का वो तैयारी करते हो, कोई नॉलेज वो प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए वो दिन रात स्प्रेड हिमसेल्फ टू थिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत किए, दिन रात लगा दिए वो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए. और इसका सेकंड अर्थ होता है ये तो हो गया ऑब्टेन समथिंग, ये भी सेंस वही है, लेकिन ये हुआ यदि आप कोई चीज खरीद लेते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस हुआ, कोई प्लॉट हुआ, ये सब जो मान लीजिए आप करते हैं तो उसको भी बोले हम अक्वायर. जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, आई एम गोइंग टू अक्वायर हिज बिजनेस. जैसे मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका कोई बिजनेस, कोई सेट किया हुआ बिजनेस था, मैं उसको ही ग्रहण करने जा रहा हूँ, उसको ही ऑब्टेन करने जा रहा हूँ, उसको ही बाय कर रहा हूँ. उस समय जब हम यूज करेंगे तो अक्वायर का यूज करेंगे. और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज लिंगरिंग. लिंगरिंग देखिए एल के ऊपर लकीर है, इसका एल पे जोर देना होगा. और एंड जो नीचे से देखिए घुमा हुआ दैट इज अंगा हो गया लिंग. जी जी और ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज ग. और आई और फिर देखिए एन उल्टा उल्टा और नीचे उल्टा नहीं एन नीचे से मुड़ा हुआ है दैट इज अंग. तो पढ़ेंगे लिंगरिंग. लिंगरिंग क्योंकि एल पे जोर है तो इसको बोलेंगे हम लिंगरिंग. और यहाँ पे देखिए ई जो उल्टा लिखा हुआ है उससे चिपक एक लकीर है वो रॉ होता है. तो पढ़ेंगे लिंगरिंग. लिंगरिंग इसको पढ़ेंगे हम लिंगरिंग. और दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब याद या कोई घटना जो देर समय तक बहुत देर तक आपके दिमाग में रहता है. यदि याद रहे या घटना रहे या किसी का प्रभाव ही क्यों ना हो जो ज्यादा लंबे समय तक आपके दिलो दिमाग पे रहता है, किसी जगह पे रहता है, उसी को हम बोलते हैं लिंगरिंग. जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल दैट इंसिडेंट स्टिल लिंगरिंग इन माय माइंड. मैंने कोई घटना हुआ था उस दिन वो भी मेरे दिमाग में अभी भी तरोताजा है, ऐसे ही मुझे याद है. इसको जब मैं बोलूंगा इस ढंग से यूज करेंगे. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्मेल ऑफ फिश लिंगर इन दिस रूम. The smell of fish lingers in this room. मैंने आपको इसके जो वहाँ पे जो स्मेल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कभी फिश बना था, तो उसको मैं बोला कि क्योंकि आप जानते हैं फिश का जो स्मेल है बहुत लंबे समय तक रहता है. तो ये यही कहना है एग्जांपल का, द स्मेल ऑफ फिश लिंगर इन दिस रूम. मैंने अभी भी जो फिश का जो मछली का जो है सुगंध जो है यहाँ पे अभी भी इस रूम में है, व्याप्ति है, तो उसको हम बोलेंगे लिंगरिंग. और आज का फिफ्थ वर्ड ये रहा, That is waver. Waver. देखिए ई आई मीन्स ए ई और डब्ल्यू से पहले लकीर ऊपर, इसका मतलब डब्ल्यू पे जोर देना होगा. तो वे ई और वी मीन्स व व, मतलब घर्षण के साथ हवा निकाल के बोलना पड़ेगा व व. और इज उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ और उसे चिपक के लकीर है दैट इज रॉ. तो पढ़ेंगे waver. 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 This is a verb, इसका मतलब है to lose strength या determination. मान लीजिए आपका जो मान लीजिए आप मजबूत थे थोड़ा कमजोर हो गए, या आपका जो इरादा था वो कमजोर पड़ जाना. कोई भी चीज यदि कमजोर पड़ जाता है तो उसी को हम बोलेंगे वैभर. जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल विदाउट वेवरिंग वी हैव टू गो अहेड. मैंने आपका जो डिटर्मिनेशन था या कुछ भी कमजोर बिना कमजोर पड़े हुए आपको आगे जाना चाहिए, आप आगे बढ़िए, उसी को हम बोला विदाउट वेवरिंग यू हैव टू गो अहेड. एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ब टिल अचीविंग टारगेट डोंट वेवर इवन फॉर अ व्हाइल. ये एग्जाम्पल का कहना ये है कि जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं किए हैं तो कमजोर मत करिए, जब तक टारगेट नहीं पाए तब तक कमजोर नहीं पड़ना है. तो ये एग्जाम्पल का कहना था. और थर्ड एग्जाम्पल इज सिंस इंसेप्शन विदाउट वेवरिंग वी आर टीचिंग इंग्लिश. मेरा ये कहना है कि मैं जब से शुरुआत किया हूँ तभी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. अब बिना कमजोर के मेरा ना डिटर्मिनेशन जो मेरा शक्ति है, मेरा सोच है, मेरा स्ट्रेंथ है, उसमें कोई कमी नहीं हुआ. जैसे मैं पहले पढ़ाता था उसी डिटर्मिनेशन के साथ आज भी पढ़ाता हूँ, वही इरादा अभी भी रखता हूँ. इसलिए मैं बोला कि सिंस इंसेप्शन विदाउट वेवरिंग वी आर टीचिंग इंग्लिश. डोंट मेक इंग्लिश द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. Dan English is at a stone's throw away
come to Dan Anglis without having any tension. Dan Anglis is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan Anglis has come amidst you all for making you free from doubt. Today's I would like to make you understand clearly. If you want to speak just like a native speaker, please try to be the part of Dan Anglis. 100% you can speak just like a native speaker. चलिए आज का sixth word ये रहा. That is our stones throw away. Our stones throw away. This is a idiom. इसका मतलब होता है a short distance. जो कम दूरी पे हो, मान लीजिए मेरे नजदीक में ही आसपास में जो होता है उसी को हम बोलते हैं a stones throw away. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. पहला एग्जाम्पल, Dan Anglis is only a stone's throw away from NIT Ghat. जैसे आप जानते हैं कि Dan Anglis का जो लोकेशन है यहाँ वो NIT Ghat से बहुत ही नजदीक में है, करीब करीब NIT से वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो उसको हम बोलेंगे ए शॉर्ट डिस्टेंस को यहाँ पे जब बोलेंगे तो ए स्टोन्स थ्रो अवे बोलेंगे. एंड सेकंड एग्जांपल इज अमितेश इज लिविंग जस्ट ओनली अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम साजिद्स हाउस. जैसे बेटा ये कहना है एग्जांपल में, अमितेश और साजिद दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त, एक ही गांव से, बचपन का दोस्त, यहाँ डैन इंग्लिश में भी पढ़ता है और वो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं. तो वही मेरा कहना है, अमितेश और साजिद का जो घर है बहुत ही आस पास है, बहुत ही कम दूरी के फासले पे है, तो उसको मैं बताना चाहें. थर्ड एग्जाम्पल इज पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड ओनली अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम बैंक ऑफ गंगेज रिवर. मेरा ये कहना है कि जो पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पे, खास करके जो गंगा रिवर जो यहाँ है उनका जो किनारा है, या गंगा रिवर से बहुत ही कम दूरी पे पोस्ट ऑफिस यहाँ अवस्थित है. तो यही मैं बोला कि पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड ओनली अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम बैंक ऑफ गंगेज रिवर. नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज इनफॉर्मिटी. देखिए आई एन मीन्स इन, एफ के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एफ एफ पे जोड़ देना होगा, और थ्री जैसा जो हुआ है वो होता है उसे चिपक एक लकीर है, दैट इज रॉ, और ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, तो इसको पढ़ेंगे इनफॉर्मिटी. इनफॉर्मिटी मीन्स हो गया नाउन, इसका मतलब होता है वीकनेस, कमजोर. जैसे इसको बोलेंगे हम इनफॉर्मिटी. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. पहला एग्जाम्पल, इन ओल्ड एज ऑल सफर फ्रॉम मेनी इनफॉर्मिटीज. मेरा ये कहना है कि जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत सा आप कमजोरी आ जाता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत तरह का बीमारी भी आ जाता है. इसलिए मैं बोला कि इन ओल्ड एज ऑल सफर फ्रॉम मेनी इनफॉर्मिटीज. एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, इफ यू हैव इनफॉर्मिटी इन एनी सब्जेक्ट ट्राई टू करेक्ट इन प्रॉन्टो. मेरा ये कहना है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कमजोरी दिखता हो कि यहाँ पे थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ थोड़ा स्ट्रांग है, जहां कहीं भी आपको कमजोर पॉइंट हो तो वहां पे तो करेक्ट कीजिए, वो भी जल्दी में. देखिए इन प्रॉन्टो कहा गया है, इन प्रॉन्टो मैंने जल्दी में, तत्क्षण इसको एड्रेस कीजिए, करेक्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वीकनेस को दूर करना बहुत जरूरी है कुछ प्राप्त करने के लिए. एंड थर्ड एग्जांपल इज ड्यू टू फास्टिंग आई फील इनफॉर्मिटी. मेरा ये कहना है कि आज दिन भर मैं फास्टिंग में था, इसलिए मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूं अपने आप को. तो इस ढंग से आप यूज कीजिए, इससे पहले बहुत हल्का वर्ड आप यूज करते होंगे मेरे दोस्त, लेकिन आज से यूज कीजिए इनफॉर्मिटी. इनफॉर्मिटी. और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज ऑब्स्कुरिटी. ऑब्स्कुरिटी दैट इज ऑब्स्कुरिटी. देखिए ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ, और बी ब, एस के ऊपर लकीर है, मींस एस पे जोड़ देना होगा, और यू जे जैसा जे मतलब होता है यो, और यू मींस ऊ हर्षुआ, ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, तो पढ़ेंगे ऑब्स्क्युरिटी. ऑब्स्क्युरिटी दिस इज अ नॉन, इसका मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, मींस नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, या आप अनभिज्ञता जो बोलेंगे, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसी को हम बोलेंगे ऑब्स्क्युरिटी. जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए. पहला एग्जांपल, नो मोर नाउ ऑब्स्क्युरिटी विल रिमेन विथ यू. मतलब हम लोग का ये कहना है कि अब डैन इंग्लिश आ गया है, अंग्रेज से रिलेटेड, मैं इसे कोरिलेट करके बता रहा हूँ. यदि उसमें यदि आपका अनभिज्ञता आप नहीं ज्यादा देर तक रहेगा, बहुत ही जल्दी आपको एड्रेस कर दिया जाएगा. एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आर इन ऑब्स्क्युरिटी इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एनीथिंग. यदि आप अनभिज्ञ रहेंगे, यदि किसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कुछ पाना मुश्किल हो जाएगा. यही कहना था एग्जाम्पल का. एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउन, डोंट ट्राई टू बी इन ऑब्स्कुरिटी अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मेरा ये कहना है कि यदि इस कॉम्पिटिटिव एरा में यदि आप अनभिज्ञ है तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, बहुत फेस करेंगे आप. इसलिए मैं बोला ऑब्स्कुरिटी से निकलिए और ज्ञान अर्जित कीजिए. दोजू केम इनटू डैन एंड इंग्लिश
with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a pillow filling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Dhyanan English. It is Dhyanan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का नाइन्थ एंड फाइनल वर्ड ये रहा दैट इज एस्टाइमी दिस इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट, मीन्स रोकना. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा. और ए आई मीन्स होता है आई, तो इसको पढ़ेंगे स्टाई एम आई मी स्टाइमी. देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा. और ए आई मीन्स होता है आई, तो स्टाइमी स्टाइमी इसको बोलेंगे हम स्टाइमी. दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोकना. जैसे इसको बोलते हैं हम रोकना किसी चीज को, यदि गति को रोकना या किसी के स्पीड का रोकना या कोई कहीं पे जाने से किसी को रोकना, उसी को हम बोलेंगे स्टाइमी. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. पहला एग्जाम्पल, हर इंटरव्यू वॉज स्टाइमीड बाय ऑफिसर्स. मान लीजिए उनको उस ऑफिस में नहीं जाने दिया और जो उनका जो ऑफिस का जो वर्कर था उनको रोक दिया गया वहां जाने से, उसको मैं इस ढंग से बताया. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वॉज स्टाइमीड फ्रॉम गोइंग देयर, मुझे वहां जाने से रोका गया. तो जब मैं इसको बोलेंगे तो आई वॉज स्टाइमीड फ्रॉम गोइंग देयर. एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ब, माय डॉटर वॉज स्टाइमीड फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश. मैं ये कहना है एग्जाम्पल का, मेरे जो पुत्री थी मेरे डॉटर, उनको अंग्रेजी पढ़ने से रोका गया. तो उसको मैं बोला माय डॉटर वाज स्टाइमीड फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश. फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर सेइंग प्लीज थ्रो कॉशन टू द विंड, नथिंग विल बी विलो द वेस्ट, पे हीड ऑन व्हाट इज सेड बाय डायनान इंग्लिश. चलिए जितना भी इसमें हम वर्ड यूज किए थे, ईच एंड एवरी वर्ड को हम एक्सप्लेन कर दिए विद एग्जाम्पल. चलिए बिना देरी के एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ. इफ यू आर पार्च्ड एंड हैव हैकिश enough to acquire the knowledge of English, then without allowing a negative things linger nor wavering effort should come in your way. Dhyanan English, which is only a stone's throw away from you. Neither your infirmity nor your obscurity is time to gain knowledge. चलिए तब तक आप इस पे वर्क कीजिए. यदि आपको ये अच्छा लगता हो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. तब तक के लिए बाय बाय.